अखरोट ये पहाड़ी तरबूज है ये देखिए यहाँ पे एक टेरा हुआ ये हमारा गांव युगू है गिलगित बल्तिस्तान में है स्कर्दो की साइड पे स्कर्दो से खपलू की तरफ जाएंगे तो ये बीच में आते हैं युगू के नाम से एक गांव आते हैं ये वही गांव है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये गांव बना हुआ है ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये गांव है आलू लेने जाना है तो ये बास्केट साथ लेके जाएंगे
अभी हम जस्ट अखरोट के दरख्त के नीचे पहुंच गए हैं और ये देखें ये वाला जो है ना अखरोट का दरख्त है। अब इसके ऊपर से जो है ना अखरोट उतारने हैं। अखरोट अभी हम जो है ना अपनी खेत की तरफ आए हुए तो यहाँ से हम खीरा भी लेते हैं क्योंकि खीरा जो है ना ख़त्म हो चुका है घर पे। अभी यहाँ पे चेक करते हैं और कितने आए हुए।
वहाँ पे एक और आया है। यहाँ पे एक टेरा हुआ, ये सारे टमाटर हैं, ये देखिए। अभी मैं यहाँ से जो है ना एक तरबूज भी ले लेता हूँ, तरबूज भी आया हुआ है। पहाड़ी तरबूज जो है ना बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, ये देखिए ये पहाड़ी तरबूज है, ये देखिए। अभी इतने सारे जो है ना खीरे हमने निकाले हैं, अब इसको भी साथ लेके जाएंगे, वही अखरोट के साथ डालेंगे भाई। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अपने कपड़े के उसमें डाला भाई। इसको जो है ना यहीं पे सेट करना पड़ेगा। ये सारे खीरे आज जो है ना मौसम चेक करें, इस तरफ जो है ना धूप निकली हुई है और आसमान बिल्कुल से साफ है, लेकिन हमारे जो गांव है ना वहां पे धूप नहीं है। और धूप किस तरफ है, यहाँ से बिल्कुल इस तरफ है, इस बादल के अंदर ही है। ये हमारा आलू का खेत है, अब इसमें से जो है ना फ्रेश आलू निकालने हैं। देखते रहें हम किस तरह जो है ना आलू निकालते हैं। ये भी हमारा आलू का खेत है, और हमने जिस खेत से आलू निकालने हैं ना वो वाला खेत ये वाला है, ये देखिए। अब आप देखते रहें कि हम इसमें से जो है ना आलू ज़मीन के अंदर से कैसे निकालते हैं। जब हम देखो ना